हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, हम यहाँ पर आइडियल्स के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट में हमने प्राइम आइडियल्स के बारे में किया था। यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमल आइडियल जो है डेफिनेशन, वो हम करेंगे। इसकी डेफिनेशन जो है आप ध्यान से समझना। मैक्सिमल आइडियल का हिंदी अर्थ होता है उच्चिष्ट गुंजाविन, ठीक है, उच्चिष्ट गुंजावली होता है। तो इसमें हमारे पास जो भी टर्म है उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो आइडियल है वो मोस्टली पूछी जाती है, लेकिन इसका अगर कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको बाद में रटने की जरूरत पड़ सकती है, वो हम नहीं चाहते। तो देखिए डेफिनेशन, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद में इसको क्लियर कर दूंगा। एक वलय आर में एक गुंजावली है, ठीक है, गुंजावली एम इज नॉट इक्वल टू आर, जो एम है वो आर के बराबर नहीं है। वलय आर है, फिर गुंजावली है एम, लेकिन वो आर के बराबर नहीं है। एक उच्चिष्ट गुंजावली कहलाती है, एक कुछ गुंजावली कहलाती है यदि u वलय r की क्या हो, गुंजावली हो, ठीक है, यदि u वलय r की गुंजावली, तो सदैव एम सबसेट यू सबसेट ऑफ आर, तब या तो एम इक्वल टू यू या यू इक्वल टू आर, ठीक है, यानी कि एम यू के बराबर हो या फिर आर यू के बराबर हो, तभी ये उच्चिष्ट गुंजावली कहलाएगी। इसको मैं डेफिनेशन को और अच्छे से क्लियर करता हूं आपको सामने। देखो, हमारे पास एक वलय आर है, ठीक है, उसकी गुंजावली है एम, एम जो है वो आर के बराबर नहीं है, ठीक है, तब एम एक उच्चिष्ट गुंजावली कहलाती है यदि यू आर की गुंजावली हो, और इस प्रकार से हो कि एम सबसेट ऑफ यू और सबसेट ऑफ आर, लेकिन या तो एम यू के बराबर हो या फिर आर के बराबर हो, और या फिर ये सबसेट हो ही ना, ठीक है, समझाया, या फिर सबसेट हो ही ना। अगर सबसेट है तो एक कंडीशन हो सकता है कि m बराबर u हो या u बराबर r हो, इससे डायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि m और r के बीच में कोई दूसरी गुंजावली नहीं आ सकती, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं, ये देखिए आप, ये आपके पास क्या है, r है, ठीक है, पूरा पूरी वलय है, सेट है आपके पास, इसके अंदर एलिमेंट है, और ये आपके पास है मान लेते हैं m, ठीक है। अब m और r के बीच में अगर कोई गुंजावली आती है और वो है मान लो u, इस प्रकार से आती है, तब या तो m u में मिल जाए, m और u बराबर हो जाए, या फिर u इतना बड़ा हो कि वो r के बराबर हो जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि ना तो m u के बराबर हो ना ही r के बराबर हो, लेकिन उसके बीच में गुंजावली हो। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो m r की गुंजावली नहीं कहलाएगी, ठीक है, तब u कहलाएगी r की गुंजावली, तो लेकिन एम निकलाएगी। अगर यू और आर के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कॉमन नहीं, कुछ भी नहीं है इसके बीच में, तब तो यू और आर की गुंजावली कहलाएगी। सिंपल सी बात है कि जो भी वाले आपको दे रखी है उसके और आपके बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई गुंजावली नहीं आनी चाहिए। अगर कोई आती है तो सिंपल सा एक तरीका है कि वो आए तब जब एम बराबर तो यू हो, यानी कि वो गुंजावली या तो एम के बराबर हो जाए, इस कंडीशन के बराबर हो जाए, या फिर वो मेन कंडीशन आर के बराबर हो जाए, मेन वाले, ठीक है। सो मैं एग्जांपल से बता सकता हूं आपको। तो देखिए आप, एग्जांपल क्या है इसका, लेट एक रिंग लेते हैं, माना कोई रिंग जेड फोर प्लस फोर क्रॉस फोर है, ठीक है, अब जेड फोर है तो इसका मतलब इसके पास कितने एलिमेंट होंगे,
जीरो वन टू थ्री, चार एलिमेंट होंगे। इवन चार एलिमेंट के अंदर आपके पास गुंजावली बनेगी, ठीक है। तो इसकी पॉसिबल कितनी गुंजावली बन सकती है वो देखो आप। तो एक ट्रिक भी होती है, वो भी आप सीख लो कि किसी भी रिंग की गुंजावली कितनी बनेगी वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ ये कि अगर उसका ऑर्डर चार है, जैसे ऑर्डर ऑफ जेड कितना है, चार है, तो उसकी जितनी गुंजावली बनेगी ना उनका ऑर्डर इसका डिवाइजर होगा, यानी कि उसका डिवाइड इसमें जाना चाहिए। जैसे ऑर्डर ऑफ जेड फोर आप जानते हैं कि कितना होता है, चार। तो पॉसिबल पॉसिबल आइडियल का जो ऑर्डर होगा वो होगा या तो वन, क्योंकि वन को डिवाइड जाता है फोर में, या तो होगा टू या फिर होगा फोर, ठीक है। यानी कि स्वयं खुद की होगी, तो खुद से तो खुद पे गुंजाली होती है आप जानते हो, ठीक है, खुद की गुंजाली खुद से होती है। तो पॉसिबल आइडियल कितना होगा, वन टू या फोर ऑर्डर उसका। तो मान लेते हैं एक गुंजावली है आई वन, उसके पास केवल एक ही है जीरो, क्योंकि आईडी होनी चाहिए प्लस के लिए, ठीक है, सब दो बनेगा ना। तो एक तो कंडीशन ये हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, आई टू जीरो और टू, इसका ऑर्डर कितना है, दो है, ठीक है। तो जीरो तो आएगा ही आएगा, आप वन के साथ मिल सकते हो जीरो वन, ठीक है। और नेक्स्ट है आई थ्री जीरो वन टू थ्री, यानी कि खुद जेड फोर, ठीक है, समझ में आ गया। ये कंडीशन बनती है, आप आई ए को ले सकते हो, इस जीरो और वन को ले सकते हो, जीरो थ्री को ले सकते हो, फिर जीरो तो आएगा ही आएगा, राइट। तो हमारे पास इस कंडीशन में आपको दिख रहा है सब टर्म, ये तीन हमने गुंजावली मानी है, किसकी गुंजावली है, ये जेड फोर की, ठीक है। अब पॉसिबल आइडियल क्या है, वन टू एंड फोर। अब हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सी गुंजावली जो है वो जेड फोर की है और कौन सी नहीं है। तो आप सबसे पहले देखिए, मैं इसको एज अ डायग्राम बना देता हूं, ठीक है, यहां देखिए आप अगर डायग्राम से अच्छे समझ पा रहे हैं तो डायग्राम देख लीजिए। तो बड़ा वाला जो है अपने पास वो तो क्या है, जेड फोर, ठीक है, जेड फोर जो है रिंग है, सबसे बड़ी वाली जेड फोर है। इसके अंदर क्या है, देखिए मान लेते हैं ये है जीरो और ये है मान लेते हैं टू, यहाँ आ जाता है वन और यहाँ पे आ जाता है थ्री, ठीक है। ये गुंजावली है ये कौन सी है, आई वन, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर कौन सी गुंजावली बन रही है, आई टू बन रही है। अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि आई वन जेड फोर की गुंजावली है तो आई वन और जेड फोर के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आ गया, कौन आया, आई टू। अगर कोई आ गया इसके बीच में तो आई टू इस प्रकार से होना चाहिए, या तो वो जीरो के बराबर होकर आई वन में मिल जाए, या फिर इतना बड़ा हो जाए कि वो जेड फोर के बराबर हो जाए। यहाँ पर आई टू ना तो जीरो में मिल रहा है, ठीक है, और ना ही वो इतना बड़ा होकर जेड फोर में आ रहा है। तो इसका मतलब आई टू आई वन और जेड फोर के बीच में आ गया है इस प्रकार से कि जो I1 है ना वो सबसेट तो किसका है, I2 का, और I2 सबसेट किसका है, Z4 का, ठीक है। I1 सबसेट है Z2 का और I2 सबसेट है Z4 का, लेकिन यहां पर जो I1 है वो I2 के बराबर नहीं है और ना ही I2 बराबर है किसके, Z4 के, ठीक है, नहीं ना बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि I1 इसकी गुंजाली नहीं बन पाएगा, दैट्स मीन I1 is not a maximal ideal, maximal ideal for Z4, ठीक है। जो I1 है ना वो maximal ideal नहीं बन पाएगा किसकी, Z4, राइट। अब आप देखिए I2 बन जाएगा, क्योंकि I2 और Z4 के बीच में कोई ऐसी ideal नहीं है जो Z4 और I2 को अलग करती हो या फिर इस सब कंडीशन बनाती हो, ठीक है। हम कह सकते हैं कि दैट्स मीन I2 इज अ मैक्सिमल आइडियल बिकॉज देयर आर नो अदर आइडियल
बिटवीन आई टू एंड जेड फोर, ठीक है। अब कोई आइडियल है, मान लो जे आइडियल है, तो वो होनी चाहिए या तो बराबर के जेड फोर के, और या फिर होनी चाहिए बराबर किसके, आई टू के। अगर कोई है ऐसी आइडियल जे, मान लेते हैं इसके बीच में है, तो होनी चाहिए, तो लेकिन ऐसा कोई है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको फॉलो हुई, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम यहाँ पर मैक्सिमम आइडियल को प्रूफ कर पाए, ठीक है। तो आगे देखते हैं हमारे पास और क्या कंडीशन है। आप इसमें अब जो है नेक्स्ट विभाग बल है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। विभाग बल हमें आ गया होगा आपको ये, यानी कि क्वोशेंट रिंग ठीक है। माना कि आर एक बल है, आर क्या एक बल है, तथा आर की एक गुंजावली, आर की एक गुंजावली आई है, तो समुच्चय आर अपॉन आई एक बल है, ठीक है। यहां पर जो कंडीशन होती है वो एक बल है, तो मैं बाय बाय समझा देता हूं। देखो मान लो आर प्लस डॉट एक बल है, ठीक है, प्लस डॉट, आर की गुंजावली कौन है, आई है, ठीक है। और आर क्या है, जो संक्रिया के लिए आवेली ग्रुप है, आवेली ग्रुप है, तो जो आई है ना वो इस पर एक सब ग्रुप है। आई जो है अगर एक गुंजावली है आई आर की, तो उसका सब ग्रुप भी होगा, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रत्येक आवेली ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो क्या होता है, विशिष्ट होता है, ठीक है। यहाँ विशिष्टता की बात की जा रही है, विशिष्ट होता है, विशिष्ट सब ग्रुप होता है उसका, इसलिए आई आर का नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। आई जो है वो आर का क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। इसलिए आर अपॉन आई, आर अपॉन आई को हम क्या बोलेंगे, एक विभाग वलय कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज हम बताना चाह रहे हैं कि समुच्चय आर अपॉन आई एक वलय है, जिसके लिए दो द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया प्लस व डॉट निम्न प्रकार है, आई प्लस ए प्लस आई प्लस बी आई प्लस ए प्लस बी, ठीक है। आई प्लस ए प्लस आई प्लस बी बराबर आई प्लस ए प्लस बी, ठीक है। और आई प्लस ए डॉट आई प्लस बी इक्वल टू आई प्लस ए डॉट बी, ठीक है। ऑल ऑफ आई प्लस ए एंड आई प्लस बी बिलोंग्स टू आर अपॉन आई। इससे कंडीशन अगर बन जाती है आप सामने, ठीक है, अगर इससे कंडीशन बन जाती है तो आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको विभाग वाले कहेंगे। तो दोबारा से समझ लीजिए इस चीज को कि आर एक वाला है और आर की गुंजावली कौन है, आई है, ठीक है। समुच्चय आर अपॉन आई भी एक वाला होगी, क्योंकि आर की गुंजावली कौन है, आई, तो इसका मतलब आई जो है आर का, आर आई आर का क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप, ठीक है। कौन सा सब ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, सब ग्रुप है, लेकिन कौन सा, आवेली, आवेलिन होता है। तो आर अपॉन आई भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। अभी तो वाला है जिसके लिए दो द्विआधारी संक्रिया प्लस व डॉट निम्न प्रकार है, यानी कि आई प्लस ए करूं प्लस करूं आई प्लस बी, तो ये हो जाएगा आई प्लस ए प्लस बी, ठीक है। और आई प्लस ए डॉट करूं आई प्लस बी के साथ में डॉट लगाता हूं तो ये जाएगा आई प्लस ए डॉट बी। और इस तरह की कंडीशन ये फॉलो करती है, और ये सब वैल्यू आर अपॉन आई में आ रहा है, तो आर अपॉन आई क्या कहलाएगा, आर अपॉन आई
वलय को आई के सापेक्ष, ठीक है, आर का खंड वलय या विभाग वलय कहते हैं। ठीक है, आर अपॉन आई वलय को आई के सापेक्ष आर का खंड वलय कहते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर जो हम यहां पर प्रूफ कर रहे थे, इसकी जो डेफिनेशंस हैं, मतलब डेफिनेशन हमने समझ ली है, और इसका जो हम पार्ट है यानी कि जो एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अभी हमारे पास जो कंडीशन है वो इस प्रकार की रहेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, मैक्सिमल आइडियल और कोशेंट रिंग यानी कि विभाग वाले किस प्रकार से काम करती है, इसमें तो कंडीशन जो है वो आपको इसलिए ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रकार की गुंजावली तैयार हो जाएगी। ठीक है, मेन कंडीशन जो है वहां पर ये फॉलो करनी चाहिए, उसके लिए एग्जांपल के लिए हम आपको बताएंगे और अच्छे से एग्जांपल देकर आपको समझा देंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये आगे थ्योरम में काम आएगी। ठीक है, थ्योरम्स में आप इसका यूज करेंगे और थ्योरम जो है इसकी इंपॉर्टेंस है सारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज फिर इतना ही, कहीं कोई दिक्कत हो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।